अभी मन नहीं लग रहा ना, इधर अच्छा सारा हाँ फोकस उधर जा रहा है, हाँ ऐसे डिस्टर्ब हो जा रहा है। अच्छा चलो कोई डिस्टर्ब हो जाता है, बात क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नहीं, चलो हम लोग आ हाँ जाते हैं अपने ये पढ़ाई पे यस अभी। मैम, हाँ ज्यादा टाइम भी नहीं है। हाँ अभी यस लव सिचुएशंस की बात की है, तो जहां पे तीव्र प्रेम की स्थिति होती है वहां पे आकर्षण बना रहता है ना, ये आकर्षित हो जाते हैं ना, ये आपका हम पहले भी हमने ये थ्योरी में बताया था, इसको बहुत इलेबरेट नहीं कर रहे हैं। हमारा थर्ड था, आपको बताए थे कि जो फैक्टर्स काम करता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में, उसमें आपका पहला था पर्सनल फैक्टर, दूसरा आपका था सिचुएशन, और ये थर्ड फैक्टर है वो है इंटरैक्शनल फैक्टर। ठीक है, इंटरैक्शन क्या करते हैं एक दूसरे से, पारस्परिक क्रिया, अंतः क्रिया है ना, आपका प्रभाव मेरे पे, मेरा प्रभाव आप पे पड़ेगा, तो इसी को हम कहते हैं पारस्परिक अंतः क्रिया। ठीक है ना, या पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पारस्परिक क्रिया कारक अर्थ यह है कि दो, देखो यहाँ पे लिखा भी है इसका अर्थ है ना, पारस्परिक क्रिया यस कारक का अर्थ यह है कि दो व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रिया के समय कुछ घटनाएं घटती हैं जिनके कारण दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता है या घटता है। अब दो लोगों के बीच है ना, तुम लोग दो फ्रेंड हो, उनके बीच एक पारस्परिक क्रिया होगा, पारस्परिक क्रिया होगा, इंटरैक्शन होगा है ना, आप उनसे प्रभावित होगी और आपसे वो प्रभावित होगी, ऐसा परस्पर क्रिया होता है ना, तो उसमें कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिससे या तो आपकी आकर्षण बढ़ेगी या फिर ऐसी घटना घटे जिससे आपका आकर्षण कमेगा, होता है ना। आप जब दो फ्रेंड्स मिलते हो, तीन चार फ्रेंड्स मिलते हो, तो किसी से आपको देखिएगा कि आकर्षण बढ़ जाता है ना, और किसी के प्रति यस आपका आकर्षण घट जाता है। तो जब आप पारस्परिक क्रिया करते हो, जब इंटरेक्शन होता है, तो कोई व्यक्ति का जो है आप ज्यादा उससे आकर्षित हो जाते हो, क्योंकि उसका व्यवहार या कुछ खास चीजें आपको अच्छा लगता होगा है ना, और जिसका व्यवहार या आपसे तालमेल नहीं था, सिमिलैरिटी पे भी आकर्षण होता है ना, अपने एज ग्रुप पे तो बहुत सारा फैक्टर्स है, तो अगर उससे सिमिलर नहीं होता है तो क्या होता है, उससे आकर्षण आपका घट जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पारस्परिक क्रिया कारक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम लोग किसी से आकर्षित होते हैं और किसी से आकर्षित नहीं होते हैं, है ना। होते हाँ, आकर्षण बढ़ता है और किसी से आकर्षण घट जाता है जब आप बात जाता करोगे। हाँ, जब आप बात करोगे, जब पारस्परिक क्रिया होगा, तो बातचीत से लगेगा कि ये लड़की एकदम अलग सोच की है, हम लोग के बहुत घमंडी है, चाहे बहुत ऐसी वैसी है, तो हम लोग का तो आपका क्या होगा, उससे आकर्षण घट जाएगा, है ना। उसी में है कि पारस्परिक क्रिया के समय जब हम पुरस्कार का अनुभव करते हैं तो हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं तथा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब कह रहा है कि पारस्परिक क्रिया जब आप इंटरेक्शन करते हो तो क्या होता है, जब आ इंटरेक्शन आप करते हो तो जब आपको लगता है कि हमको उससे मिलने से अच्छा फील हो रहा है, पुरस्कार अवार्ड हमेशा दिमाग में यही रखना कि कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है जो रैपर से पैक करके आपकी फ्रेंड दे रही है, पुरस्कार जो है वो खुशी के रूप में आपको मिल सकता है, पुरस्कार आपको संतोष के रूप में मिल सकता है ना, या हो सकता है कि आपको और दूसरे तरह का लाभ भी मिले, उसको हम यहाँ पे पुरस्कार के रूप में कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब पारस्परिक क्रिया का समय जब हम पुरस्कार का अनुभव करते हैं, जैसे आप लोग दो तीन फ्रेंड्स अगर इंटरेक्शन करते हो है ना, आप लोग 10 फ्रेंड हो सपोज करो, और जब आप इंटरेक्शन करते हो तो जब आपका पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन होता है, तो आपको लगता है कि ये दोस्त से बातचीत करने से हमको आगे पढ़ाई में मदद मिलेगी, तो उसकी ओर आप आकर्षित ज्यादा होते हो है ना, जिसकी ओर आपको लगता है कि या तो बातचीत करने में अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, या किसी तरह का लाभ मिलता है, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जिसके आपको लगता है कि इससे बातचीत करने में आपको अच्छा फील नहीं होता है या कोई खास लाभ नहीं मिलता है, तो आप उसकी ओर विकर्षित हो जाते हैं, है ना। विकसित हो जाए। हाँ, तो वही कह रहा है, यहाँ पे आप लाइन देखेगा,
कि पारस्परिक क्रिया के समय जब हम पुरस्कार का अनुभव करते हैं तो हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं तथा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जब हम दंड का अनुभव है ना, यहाँ देखना, इसके विपरीत जब हमें दंड का अनुभव होता है तो हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, है ना। सेकेंड तथा बैकमन ने इस संदर्भ में निम्नलिखित बादलों का उल्लेख किया है। अब कह रहे हैं कि जहां जिस दोस्ती से लगेगा कि मेरी समय की बर्बादी हो रही है ना, या इसके इससे हम बातचीत करेंगे, अगर सपोज करो कोई कोई गलत फ्रेंड है उसके साथ रहेंगे तो हो सकता है हमको पनिशमेंट मिले या हमको अच्छा फील ना हो, तो क्या होगा, आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होइएगा। नहीं, हाँ यस। अभी क्या है कि आप देखिएगा कि क्या है आपका सहमति जन्य पुष्टिकरण है ना, कॉन्सेंशुअल वैलिडेशन इसका जो है, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, स्टॉप।